तो कैसे सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे आप लोग को फ्री का आइटम दे रहा है गिरना। तो कैसे इवेंट में आप लोग को इसका पहले भी दो एक बार दिखा चुका हूँ क्या कैसे आप लोग को बहुत ही सारा आइटम फ्री में क्लेम करने के लिए मिलेगा। तो अभी आप लोग बोलोगे कि और क्यों फ्री में क्लेम करने के लिए मिलेगा, ऐसा तो कभी फ्री में क्लेम करने के लिए इतना अच्छा अच्छा मिलता नहीं था। तो कैसे देखो ऐसा नहीं है, आप लोग को फ्री फायर इंडिया आ रहा है तो कैसे कुछ ना कुछ तो न्यू आइटम आप लोग को यार इंडियन सब पर देखने के लिए तो मिलेगा ही, क्यों मिलेगा फ्री में। फ्री में अगर नहीं देगा तो यार आप लोग को कॉइन्स भी परचेस करने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग कोई भी टेंशन मत लेना, अगर इसको भी लेके कुछ भी अपडेट वगैरह आता है तो मैं आप लोगों को जरूर जरूर शेयर कर दूंगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों का बीआर रैंक का तो सीजन चेंज हो ही गया है, अभी फिलहाल में कुछ ही दिन बाद आप लोगों को सीएस रैंक का भी सीजन चेंज होने वाला है। तो गाइस सर आप लोग बोलोगे कि कुछ ना कुछ तो न्यू आइटम होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग का सीएस रैंक की न्यू सीजन की अपडेट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है दो यहाँ पे ड्रॉप कार्ड, एक आप लोग का मास्टर की और एक आप लोग का नॉर्मल वाला है। और दूसरे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मास्टर और हीरोइक का सब कुछ बैनर अवतार सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। एंड गन स्किन भी देख सकते हो गोल्डन टाइप का आप लोग को मैक्स रैंक की गन स्किन दिया हो जाएगा। तो गाइस बहुत ही बढ़िया टाइप का गन स्किन है, मूवमेंट्स पे यहाँ पे सिंगल प्लस पे रख दिया है और आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा दे दिया है करना। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ मैनर आप लोग का सिल्वर से लेके गोल्ड से लेके डायमंड का सब कुछ। एंड यहाँ पे इमोट भी देख सकते हो काफी बढ़िया से इमोट है, तो गाइस इमोट भी मुझे काफी बढ़िया लगा है। आप लोग को इमोट कैसा लगेगा मुझे तो पता नहीं चल रहा है, बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना इमोट आप लोग को इस बार का कैसा लगेगा। और ये यहाँ पे टॉप तो देख सकते हो, ये टॉप तो यार इतना भी बुरा नहीं है, बाकी जितने भी इसका पहले से आता है ना उससे ज़्यादा तो ये मुझे बढ़िया लगा है, थोड़ा बहुत अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं बोलूँगा कि इतना बुरा है आप लोग इसको हीरोइक जाने के बाद अब बेकार से एक टॉप मिलेगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा है। आप लोग निकालना चाहते हो तो फिलहाल मैं निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, हीरोइक जाने के बाद ही आप लोग को फ्री में क्लेम करने के लिए मिलेगा। इसके बाद में अगर बात करके नेक्स्ट इवेंट तो कैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टाइप का एक इमोट मैं आप लोग को काल की वीडियो पर भी दिखा चुका था, जिसमें मैं आप लोग को बोल दिया था कि आप लोग को शायद ए वाला जो इमोट है फेडरल इवेंट पर अंदर से भी देखने के लिए मिल सकता है या फिर आप लोगों का जो मोको स्टोर है उसके अंदर भी दिया जा सकता है। बाकी तो यार बात करके डायमंड का प्राइस कार्ड में तो कैसे दोनों में आप लोग को सेम टू सेम ही डायमंड जाएगा, इसमें भी आता है तो आप लोग को 1100 तक की डायमंड जाएगा, अगर उस मोको स्टोर इवेंट पर आता है तो वहां पे भी आप लोग को 1100 तक की डायमंड जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अभी आप लोग का मर्जी, अगर गिरना कुछ ऐसा इवेंट पर डालता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग निकलना चाहते हो तो इस इवेंट के अंदर से निकल सकते हो बहुत ही आसानी से। और अगर गिरना चाहता है कि रिंग इवेंट पर देगा या फिर कोई इमोट पार्टी इवेंट पर देगा तो उसमें आप लोग का बहुत सारा डायमंड जाने वाला है। मैं तो आप लोग को इतना तक ही बताऊंगा कि आप लोग अगर इमोट पार्टी इवेंट पर भी आता है तो वहां पर भी आप लोग को 1000 डायमंड जाने वाला है, वहां से आप लोग इसको निकाल सकते हो आसानी से। इसके बाद में गाइस बात करके नेक्स्ट इवेंट कर में तो गाइस बहुत दिन हो चुके आप लोगों का A50 टोकन पर अपडेट देखने के लिए मिला नहीं है, तो गाइस इसी का अपडेट यहां पे आप लोग देख सकते हो। यहां पे आप लोगों को दो तरीके का बंडल दिखाऊंगा, एक तो फीमेल की और दूसरा आप लोगों को मेल की, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा यहां पे आप लोगों का अपडेट वगैरह निकल के आ चुका है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आप लोग फीमेल के बंडल तो देख ही सकते हो, इसके बाद में गाइस मेल के बंडल की बात करें तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, कुछ अच्छा सा ही देखने के लिए मिलेगा, इतना भी बुरा नहीं है, बहुत दिन तो हो चुका है मिला नहीं है कोई भी अपडेट वगैरह। तो यहां पे देख सकते हैं ये वाला जो बंडल देखने के लिए मिलता है यही आप लोगों को मेल वाला पे देखने के लिए मिलेगा, जो आप लोगों को A50 टोकन पर एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास तो बहुत सारे A50 टोकन हो चुका है मुझे पता है, क्योंकि तो मेरे पास भी हो चुका है, मेरा तो यार स्टोर पे जितने भी था सब कुछ मतलब ख़त्म कर दिया, कुछ भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मैं भी कुछ न्यू आइटम के लिए वेट कर रहा हूँ, तो शायद अब भी ऐसा कोई न्यू आइटम आने का वेट कर रहे हो तो आप लोग को थोड़ा बहुत और इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग A50 टोकन पर एक्सचेंज वगैरह कर सकते हो, अपडेट के बाद ही आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को पता है कि धोनी कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा और उसका रियॉर्ड भी देखने के लिए मिलेगा बहुत सारा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लोग उसका एक इमोट देख सकते हो, जो इमोट काफ़ी बढ़िया सा होने वाला है और ये इमोट के लिए शायद आप लोग का बहुत सारा डायमंड लगेगा। सिर्फ इमोट नहीं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सारा आइटम दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे पैन की स्किन ये भी कुछ लेजेंडरी टाइप का है, इसमें थाला करके कुछ लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो इवेंट का नाम तो ये थाला ही होगा, तो आप लोग तो जानते हो, मैं काफी दिनों से आप लोग को ये बात बता के आ रहा हूँ। इसके बाद में गाइस इसका एक गेनेट की स्किन भी यहाँ पे देख सकते हो, काफी बढ़िया टाइप का देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस इसका एक आप लोग को गुलाल की स्किन भी देखने के लिए मिलेगा, जो आप लोग का लेजेंडरी तो दिया हुआ नहीं जाएगा, बाकी नॉर्मल सा थीम के ऊपर ही आप लोग को दिया हुआ जाएगा, तो इसके लिए ज्यादा डायमंड शायद नहीं भी लग सकता है, कन्फर्मेशन नहीं करूंगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पे और भी आइटम है, जैसे कि यार इसका जो आप लोग यहाँ पे बैट की स्किन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो बैट की स्किन जो है, इसको भी रिव्यू कर देता हूँ। तो यार कुछ ओपी टाइप का ही आप लोग को देखने के लिए मिलता है, इतना भी बुरा नहीं है, थोड़ा बहुत लेजेंडरी टाइप का देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में इसका एक एसिड टिकी भी स्किन देखने के लिए मिलेगा, जो यार काफी बढ़िया लगा है मुझे, जो दूसरा बार की इवेंट पर आता है उससे ज्यादा तो ये वाला एसिड टिकी स्किन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। डबल रिलोड स्पीड है, मतलब यार रिलोड स्पीड तो डबल होता है तो बहुत ही जल्दी जल्दी रिलोड कर पाओगे,
कोऑर्डिनेट आप लोगों को सिंगल प्लस पे देखने के लिए मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया सा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला एसीटी स्किन भी आप लोगों को पसंद में आएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये वाला हेड शायद आप लोगों को यार फ्री में ही क्लेम करने के लिए मिलेगा। इसको हेड नहीं हेलमेट बोलते हैं, तो ये तो आप लोगों को फ्री में ही क्लेम करने के लिए मिलेगा। कोई एक छोटा मोटा इवेंट दिया हो जाएगा, कुछ गेम वगैरह खेलना पड़ेगा या फिर कुछ माइलस्टोन दिया हो जाएगा, उसको कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे बैकपैक भी देख सकते हो, ये बैकपैक भी आप लोगों को फ्री में क्लेम करने के लिए मिलेगा। इसके लिए भी आप लोगों को डायमंड वगैरह लगाना नहीं पड़ेगा। बैकपैक तो यार ऊपर में टावर जैसे देखने के लिए मिलता है, तो बढ़िया है। एंड यहाँ पे आप लोगों को और एक स्काई वुड की स्किन भी देख सकते हो। इसके बाद मैं कोई भी इवेंट कन्फर्मेशन नहीं करूँगा कि फ्री में मिलेगा या फिर कोई वेव इवेंट इसके लिए दिया हो जाएगा, इसको तो कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर देख सकते हो गोपी टाइप का लूट बॉक्स है, ये शायद आप लोग को फ्री में क्लेम करने के लिए मिल सकता है। कन्फर्मेशन नहीं करूँगा, बाकी यार 90% से बता रहा हूँ कि यार ये शायद आप लोग को फ्री में क्लेम करने के लिए मिलेगा। और गाड़ी की स्किन तो यहाँ पे देख ही सकते हो, फिलहाल में ये भी कुछ नॉर्मल टाइप का नहीं है, आप लोग को बहुत ही खतरनाक सा देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हो यार काफ़ी लेजेंडरी टाइप का है। तो यहाँ पे धोनी कैरेक्टर भी देख सकते हो, जिसको यार थाला कैरेक्टर यहाँ पे दिया जाएगा। और इसका मैं स्किल भी आप लोग को रिव्यू करा के काफ़ी बार दिखा चुका था, और वहाँ पे एक भाई ने कमेंट करके भी बता दिया था कि ये धोनी कैरेक्टर है, तो भाई तो यार बहुत ही मतलब समझदार बंदा है, इसके लिए उसका पता चल चुका है कि वो धोनी कैरेक्टर है। मैं वहाँ पे बोला नहीं था कि कैरेक्टर का नाम क्या होगा, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे टेस्ट रखा गया था उसका नाम, तो टेस्ट रखा गया था तो उसका नाम उस टाइम दिया नहीं था। तो ये भी थाला कैरेक्टर ही होने वाला है वो कैरेक्टर, तो इसका स्किल वगैरह दिखा दिया था तो यहाँ पे इस वीडियो पे नहीं दिखाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे और एक इवेंट देख सकता हूँ, जो आप लोगों को OB42 अपडेट के बाद भी देखने के लिए मिल सकता है, या फिर आप लोगों को OB43 अपडेट तक भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इवेंट तो काफ़ी बढ़िया सा इवेंट है। कि कैसे आप लोग को स्टोर पर एक गन स्किन का जैसा देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर क्या है कि जितना भी आप लोग को नॉर्मल सी गन स्किन है सब कुछ अवेलेबल कर दिया जाएगा, और वहाँ से आप लोग आसानी से उसको परचेस कर सकते हो। लेकिन एक ही दिक्कत है इसमें, आप लोगों को एक्टिव इसमें डबल के जगह ट्रिपल देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब आप लोगों को एक एक्यूरेंसी दूसरा लूट स्पीड ऐसा देखने के लिए मिलेगा, तीन देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब आप लोगों को जैसे देखने के लिए मिलता है बहुत सारा गन स्किन पर, कि एक्यूरेंसी भी देखने के लिए मिलता है, मूवमेंट स्पीड भी देखने के लिए मिलता है, रेंज भी देखने के लिए मिलता है, ऐसे में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑप्शन आप लोगों को सिर्फ दो ही दिया हो जाएगा, जो एक्टिव इसमें दो ऑप्शन होता है वही सा गन स्किन आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल कर दिया जाएगा कॉइन से। हाँ गाइस, आप लोग कॉइन से इसको परचेस कर सकते हो, इतना तक बता देता हूँ। इसके बाद में गाइस बात करके नेक्स्ट इवेंट, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया टाइप का बाहर की सरपड़ी इवेंट निकल के आ चुका है, जो यार कुछ ही दिन पहले आप लोग को इंडियन सरपर देखने के लिए मिला था इस टाइप का इवेंट। लेकिन वहाँ पे बहुत सारा डायमंड आप लोगों का नहीं गया था, लेकिन इंडियन सरपर भी आप लोगों को बहुत सारा डायमंड नहीं जाएगा। और ये इवेंट तो आप लोग जानते हो कि काफ़ी बढ़िया सा इवेंट है, बहुत ही भाई लोगों ने इसके लिए भी वेट करता है, क्योंकि इस इवेंट के अंदर से बहुत ही कम डायमंड के अंदर से बहुत ही आइटम अच्छा अच्छा निकल सकता है। और यहाँ पे तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बढ़िया आइटम है, तो आप लोगों को बहुत ही पसंद में आएगा। तो किस यहाँ पे बंडल की बात करते हैं, इतना ओपी बंडल दिया जा रहा है कि मैं तो यार सोच ही नहीं सकता हूँ कि आप लोगों को लकी व्हील इवेंट के अंदर से इतना ओपी बंडल देगा गिरी ना, कभी भी ऐसा तो हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है, आप लोग को इंडियन सरप्राइज जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगर सब तो लोग तो बोलोगे कि ये तो इवेंट आप लोग को कुछ दिन पहले देखने के लिए मिला था, तो अभी फिर से क्या देखने के लिए मिलेगा, तो देखो ऐसा नहीं है, आप लोग को इस मंथ को भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप लोग को या दिवाली के कुछ दिन पहले देखने के लिए मिलेगा। अभी दिवाली आने में बहुत दिन बाकी है, लेकिन दिवाली के कुछ दिन पहले आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं कल की वीडियो पर दिवाली इवेंट की फुल डिटेल्स पर आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या कुछ आइटम देखने के लिए मिलेगा दिवाली इवेंट पर। तो गाइस इसके बाद में बात करके आप लोगों का बुइया बंडल कब तक रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सामने से काफ़ी सारे भाई तो इसके लिए बहुत ही परेशान है और बहुत ही जगह यूट्यूब पर सर्च कर रहा है कि यार हमारा बुइया बंडल जो है वो कब तक रिटर्न में आएगा, गिरना कब तक देगा बुइया बंडल रिटर्न में, और कौन सी इवेंट पर देगा। तो गाइस सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग को टोकन व्हील पर भी दे सकता है, या फिर आप लोग को टोकन रिंग पर भी दे सकता है, या फिर आप लोग को टोकन टावर भी देख सकता है। तो ये तीनों में से आप लोग को कोई ना कोई इवेंट पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इवेंट कन्फर्म तो कन्फर्मेशन नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल में मैं आप लोग को डेट वगैरह कन्फर्मेशन कर देता हूँ, आप लोग को जो बुइया डे की इवेंट देखने के लिए मिलेगा 2023 में, मतलब आप लोग को यार अक्टूबर से नवंबर के अंदर अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है बुइया डे की इवेंट, तो उसी टाइम आप लोग को बुइया की बंडल रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। अभी भी 1 से 1.5 महीना बाकी है, तो आप लोग आसानी से डायमंड वगैरह जमा सकते हो। आप लोग अगर आसानी से डायमंड वगैरह अभी से जमाना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही डायमंड हो जाएगा आपके पास, तो आप लोग वहाँ से जाके आसानी से बंडल को भी निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारा डायमंड चाहिए अगर वो सब इवेंट पर आता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 1.5 महीना पहले से बता रहा हूँ, तो आप लोग यार सोच सकते हो कि बहुत दिन बाकी है, तो 1.5 महीना पहले से बता देता हूँ, अभी आप लोग डायमंड वगैरह जमाना स्टार्ट कर दो। फिलहाल में इसका जब कंफर्म डेट निकल के आ जाएगा कि कौन सी डेट को देखने के लिए मिलेगा, तो मैं तुरंत के तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना के मैं आप लोग को बता दूंगा कि कौन सी डेट को आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो इस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया, और अगर पसंद आता है तो जरूर से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।